कुरुक्षेत्र पिंडारसी मर्डर दोहरे हत्याकांड मामले में 3 महिलाओं सहित 10 को गिरफ्तार किया है। सभी लोग बावरिया गिरोह के निकले। आपको बता दें, पुलिस को मिली बड़ी सफलता है ये। पिंडारसी गांव दोहरे हत्याकांड से सहम गया था। एसपी कुरुक्षेत्र ने टीम को 25,000 का इनाम दिया। 21 मई की देर रात को कुरुक्षेत्र के पिंडारसी गांव में भेड़ पालने वाले दो लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई थी और उनकी भेड़े भी कुरुक्षेत्र कैथल रेलवे ट्रैक पर मिली थी। एसपी कुरुक्षेत्र अभिषेक गर्ग ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह सभी लोग बावरिया गिरोह के लोग हैं और पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, क्योंकि गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इस मामले का पर्दाफाश होगा और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके 3 दिन बाद ही पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अब इन लोगों को रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उन्होंने इतनी बड़ी घटना को क्यों और कैसे अंजाम दिया। तभी से पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान भी लग रहा था कि पुलिस ने अभी तक हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि इस गांव में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की थी। अब आखिरकार बहुत ही कम समय में पुलिस ने हत्यारों को पकड़ लिया है। कहीं न कहीं सदैव सेवा सुरक्षा का नारा देने वाली प्रदेश की पुलिस के लिए भी एक अच्छा प्रयास है कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ लिया है। इसलिए एसपी कुरुक्षेत्र ने दिन रात एक करने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी दिया है। लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और एक इंजर्ड था, राजा राम और अर्जुन जो थे उनकी हत्या हो गई थी और संदीप नाम का एक युवक को इंजर कर दिया गया था और भेड़ों का इसमें लूट का, चोरी का और साथ में मर्डर के एलिगेशन थे इसमें। और ये जो एफआईआर थी 24 नंबर एफआईआर जीआरपी कुरुक्षेत्र पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी 22 तारीख को और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन हमारे पास जिला पुलिस कुरुक्षेत्र के पास आ गई थी और फिर हमने इस पे पूरी जिला पुलिस ने इसमें टीमें लगाकर 6 टीमें बनाई गई, साइबर सेल की भी अलग से एक टीम बनाई गई और डिफरेंट जगह पे रेड ठिकानों पे रेड की गई। तो इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस से और टेक्निकल डाटा से, साइबर डाटा से, डंप एनालिसिस, सीडीआर एनालिसिस, हर तरह के इसमें जो हमारे पास तरीके मौजूद हैं उनका यूज करते हुए हमने इस गैंग को आइडेंटिफाई किया और फिर ये जो गैंग पकड़ा है हमने, ये वारदात करने, इनकी मॉडस ऑपरेंडी रहती है कि वारदात करने के बाद अलग अलग जगह फैल जाता है ये, तो ये देश के अलग अलग कोनों में ये गैंग फैल गया। तो हम इनको ट्रैक करते करते हर टीम अपने अपने टारगेट्स को ट्रैक किया और इसमें कल हमने इसमें सफलता हासिल की है और इसमें जो हमारे मुख्य आरोपी थे वो सारे पकड़े गए हैं। टोटल अभी तक हमने इसमें 10 अरेस्ट डाली है और कुछ और आरोपी भी, एक और आरोपी भी आज टीम लगी हुई थी वो भी आज सुबह वो भी पकड़ा गया है। तो टोटल हमारे अब 11 आदमी इसमें जो 11 मेन अक्यूज हैं वो अरेस्ट हो गए हैं। बाकी अभी हम इनका आज रिमांड लेंगे और पूछताछ भी करेंगे। तो इसमें हमने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी एनालाइज की थी कि वारदात करने के बाद हमें कुछ सुराग लगे थे कि ये किस रूट पे गए हैं, उसके बाद हमने इनकी सीसीटीवी फुटेज भी जब देखी तो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज देख के लग रहा है लगभग तो 17 आदमियों की इन्वॉल्वमेंट लग रही है उसमें, जो लोग जा रहे हैं उसमें 12 मेल लग रहे हैं और 5 फीमेल हैं, जिसमें से 8 मेल और 3 फीमेल गिरफ्तार हो चुके हैं। तो लगभग हमें अभी 6 और आरोपियों की तलाश है जो वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे और साथ ही साथ इसमें हमें जो ट्रक इस्तेमाल हुआ है वो भी बरामद करना है, तो वो भी इनका आज हम रिमांड लेंगे और बाकी इनके जो ठिकाने हैं और जो रिकवरी है इसमें, चाहे भेड़ है चाहे कोई और लूटा हुआ सामान है, वो रिकवरी करेंगे। प्लस ये जितने गिरोह है ये सभी राजस्थान से संबंध रखते हैं, तो इनके जो मूल इनके गांव हैं और जो थाने हैं वहां से इनकी रिपोर्ट भी लेंगे कि और भी इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड है और प्लस जिस तरह का गैंग लग रहा है हमें लगता है इन्होंने और भी इस तरह के जघन्य अपराध बाकी भी देश के और कोनों में भी किए होंगे, उसको भी हम ट्रेस करने में इसमें कोशिश करेंगे।